क्योंकि मैं प्रो हूँ, इसलिए मैं ऑयल से बेल रही हूँ। प्रो पूरे चारी जगह की सब बोल चीज़ जो ने एक कमेंट से वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो आज संडे, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज मैं अभी कपड़े वगैरह सब ठीक कर रहा हूँ। सो कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। सॉरी कैमरा गिर गया था। तो पिछले व्लॉग में जो कपड़े मैंने सुखाए थे वही कपड़े अभी तय कर रहा हूँ। आज फिर से दोबारा से कपड़े धोने हैं क्योंकि कल हम गए थे बाहर, वो सारे कपड़े हो गए गंदे। तो ये हो गए सारे कपड़े तय। वो हमने सुबह चाय पी थी तो उसको इग्नोर करना। पानी कैसे कर दिया? ये पानी कैसे कर दिया? सुमिता कपड़े धोने गई थी एंड सडनली हमारा जो वॉशिंग मशीन है वैसे ढुक 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 करने लग गया था, उसमें से सारा पानी बाहर आ गया। मेरे ख्याल शायद अंदर जब वो रोटेट हो रहा है तो कपड़े ज़्यादा होने की वजह से जो रोटेटिंग फोर्स है वो डिसबैलेंस हो गया था, इस वजह से वो ऐसे ढक 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 कर रहा था। तो ज़्यादा कपड़े मत डालना। अब ये साफ तो करना पड़ेगा भाई। अरे मुझे तो पोचू जॉल। वैसे काफी लोगों को लगता होगा कि शोमिता बहुत शांत सुशील लड़की है एंड वो काफी ख्याल भी रखती है मेरा, वैसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में ना उसका एक रूप सामने आता है। करती है, कभी कभी इरिटेट भी करती है, ऐसा नहीं है। मैं पिछला वाला व्लॉग शूट कर रहा था तो उस टाइम पे ये हुआ। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि ये राशि कोई काम कर रहा है तो आप गलत हो। अब एक लाइन पूछो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। ओ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। और जिसका मैंने बदला लिया इस तरीके से। अरे हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, उसको पराठा बनाना नहीं आता तो मैंने शोमिता को बोला कि वो पराठा बनाना सिखाएगी। आज हम पनीर पराठा बनाएंगे डिनर में। याद है फर्स्ट हमारा वीडियो डिनर में क्या बनाने तो पनीर पराठा बनाने के लिए पहले हमें मैदा लेना है। आटा ले लो, मैदा ले लो, आपका जो मर्जी वो ले लो, लेकिन इसको गून लो पहले अच्छे से। नहीं पनीर चीज पराठा। ओ हाँ 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 पनीर चीज पराठा है, सिर्फ पनीर पराठा। यहाँ पे हमने पनीर और चीज ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा चीज लिया है और पनीर ज्यादा लिया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्याज डालना है और अगर आपके पास धनिया है तो धनिया भी देना। हमारे पास धनिया नहीं है तो इसलिए हम धनिया नहीं देते। नमक टेस्ट अनुसार, आपके टेस्ट अनुसार आप नमक देना। अब इसमें ये ना भुना हुआ मसाला है, इसमें है धनिया, जीरा और सूखा लाल मिर्च। इसको आप ऐसे दे दो जितना आपको जरूरत है। मैं ये वाला देती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं देते, इससे टेस्ट अच्छा होता है। कभी ये वाला रेसिपी भी ट्राई करके देखना। बहुत सारे लोग ये नहीं डालते, ऐसे जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लो अच्छे से
और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना है। वैसे तो आमचूर डालते हैं, लेकिन आमचूर मसाला नहीं है गाइस, तो मैं चाट मसाला दे रही हूँ इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपके पास आमचूर है तो प्लीज आमचूर डालना, हमारे पास नहीं है, कुछ खरीद के नहीं देता है। क्या बताऊँ आपको, अगली बार मैं बिग बाजार में ना मैं कुछ नहीं खरीद के दूंगा। देखता हूँ फिर मैं कैसा खाना बनता है। क्यों क्यों? नहीं मैं तो कुछ लाके नहीं देता ना। मैं मजाक कर रही थी, मजाक। बहुत सारे लोग पनीर पराठा में अदरक डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब कुछ डालते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, बहुत सारे लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मुझे पता है ये सब कुछ डालना पड़ता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में जाती हूँ थोड़ा सा, कि शॉर्टकट में अच्छे भी बन जाए और ये सब कुछ डालना में अदरक, फिर से अदरक को घिसो घिसो घिसो, इससे अच्छा सिंपल बना दो, फटाफट दो मिनट में बन जाता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। इसलिए मैं भुना हुआ मसाला डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब बहुत सारे जो यहाँ पे भी आटे से बेलते हैं, मैं नहीं बेलती हूँ, मैं अलग करती हूँ, मैं ऑयल से करती हूँ। इसको फोल्ड कर लो ऐसे, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा है ना उसको ऐसे निकाल लो, ओके। अब इसको अच्छे से कर लो ऐसे, अब ऐसे सारा बना लो, जितना भी आपका होगा। तो इसमें हमने जो पनीर बनाया था वो इसके अंदर डाल दो। पनीर का क्या बनाया था, फीलिंग? अब जो क्योंकि मैं प्रो हूँ, इसलिए मैं ऑयल से बेल रही हूँ इसको। अगर आप प्रो नहीं है तो आप आटे से बेलिए, ऑयल से ट्राई मत कीजिए। प्रो ऐसे से कर लेना ताकि पनीर ना पूरे चारी जगह बोल चीज चारों तरफ फैल जाए। अगर आप प्रो नहीं हो, फिर मैं बोल रही हूँ, अगर प्रो नहीं हो ना तो इसको आप उससे बेलना, आटे से बेलना, खाओ। और ये गरम हो जाए उसके बाद प्यार से इसको ऐसे डाल दो और गैस को थोड़ा धीरे कर दो। मैं इतना प्रो हूँ, दिखाओ दिखाओ, फटा नहीं है, दिखाओ दिखाओ, एक भी फटा नहीं है, देखो मैं इतना प्रो हूँ। बेसिकली फटना नहीं चाहिए ये बोलना होता है। मैं प्रो हूँ, मैं प्रो हूँ। प्रो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल। अब इसमें ऑयल डालो, आप जितना भी, आप घी से भी बना सकते हो इसको, घी से भी बना सकते हो और उससे भी बना सकते हो, बटर धीरे से फॉलो। अब हो गया है, आप बंद कर दो, बंद कर दो, आप बंद कर दो। हाँ? आप कुछ नहीं दिखाना, अब खाने का टाइम, सीधे खाने का टाइम, सीधे खाने का टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये प्रो, ये क्या प्रो, ये क्या गोल रोटी बना है? हाँ, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड, मुझे ये जानना है। ये मतलब सर्कल 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 टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पे चीज ज्यादा हो गया है और कुछ नहीं। नहीं कोई तो बोल रहा था प्रो 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 की शक्ल दिखाओ जरा, देखो इधर, देखो प्रो, देखो देखो इधर, देखो प्रो, देखो 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 प्रो।
देखा है ना फ्लो। वाह नहीं ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अरे सच्ची में अच्छा होना।